वीडियो वायरल होने का मेन रीजन होता है थंबनेल। अगर आपका बेहतरीन थंबनेल है जो कि बहुत ही अच्छा है, तभी आपको वीडियो वायरल होने का चांस रहता है। तो गाइस आज मैं बताऊंगा मेरे जैसा थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। तो गाइस वो सिंपली बहुत ही ईजी है तो मेरे जैसा थंबनेल एडिटिंग करने में। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस थंबनेल एडिटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है पिक्सलिप। तो गाइस सिंपली हम पिक्सलिप ओपन कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा पिक्सलिप ओपन हो चुका है। तो गाइस सिंपली यहां से हम जाएंगे थ्री डॉट पर, और थ्री डॉट पर जाकर यहां से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज सेलेक्ट करेंगे, इधर से यूट्यूब थंबनेल दिया है, इधर यूट्यूब थंबनेल क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे वीडियो का थंबनेल के लिए हो जाएगा, सिंपली ओके कर देंगे। ओके कर लिए और जाएंगे गाइस थर्ड में, और थर्ड में जाकर यहाँ पर कलर कर लेंगे। तो गाइस हम यहाँ से कलर ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक और वाइट ले लिए। गाइस यहाँ से एड करेंगे और यहाँ से कलर हम चूज करेंगे, यहाँ से कोई सा भी एक कलर ले लेंगे, जैसे कि मैं ये ले लिया, और यहाँ से ओके कर देंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद से ये इसे कर देंगे इधर, और इसे कर देंगे इधर थोड़ा सा, और इसे थोड़ा इधर कर देंगे गाइस। तो सिंपली हमारा देख सकते हैं मतलब कलर हो चुका है। तो गाइस सिंपली यहाँ पर यस कर देंगे, यस करते हैं गाइस। यहाँ से हम एक ले लेंगे लेयर जो कि यहाँ पर मिलेगा शायद, और इसे हम थोड़ा अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। गाइस सिंपली हम ऐसे कर दिए, इसे सही कर दिए, और इसके नीचे आएंगे रूटर का ऑप्शन दिया रहता है, थोड़ा मतलब तिरछा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इधर रूटर हम कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे हम -7 कर लेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ से हम ऊपर कर लेंगे ऐसे, यहाँ पर ऊपर ऐसे हो गया गाइस, देख सकते हैं एडजस्ट हो गया है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इससे हम कर देंगे छोटा। तो गाइस हो गया ये, और सिंपली यहाँ से हम इसे लॉक कर देंगे गाइस। तो यहाँ से हम लॉक कर देंगे इसे, यहाँ से लॉक कर देंगे गाइस, देख सकते हो। और यहाँ से हम यहाँ से एक ले लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जो लिखना है वो लिखने के लिए ऐसे एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसे रिमूव करके और यहाँ से लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब वीडियो, लिख लिए गाइस यूट्यूब वीडियो लिख लिया, यहाँ से ओके कर देंगे। और इसे भी थोड़ा सा हम लेयर के हिसाब से कर लेंगे, और इधर आएंगे नीचे जाएंगे और इसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो गाइस सिंपली नीचे जाएंगे, और इधर नीचे जाकर ये वाला हम इफेक्ट लगा लेंगे इसमें, और लगा लिएगा यहाँ से जाकर ऊपर जाकर कलर कर लेंगे गाइस। इधर कलर में जाकर एक कोई सा एक कलर कर लेंगे। तो गाइस मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, और इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे गाइस। तो गाइस हम एडजस्ट कर लिए, और इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके फिर से यहाँ एडिट पर जाएंगे, वहाँ से एडिट कर लेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एडिट, तो एडिट लिख लिए, ओके कर देंगे। और यहाँ से गाइस देखिए हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस फिर से इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी कर लिए, और फिर से एडिट हो जाएंगे, और एडिट हो जाकर इसे रिमूव कर देंगे। और यहाँ से हम फिर से लिख लेते हैं गाइस, देख सकते हो हम लिख लिए हैं, इसे थोड़ा वर्क कर लेंगे। और गाइस देखिए हम मतलब इतना ही लिखना चाहते हैं, तो इतना लिख लिए, और यहाँ से सिंपली गाइस हम इसे लॉक कर लेंगे, लॉक कर लिए। और फिर से यहाँ पर जाएंगे एज, और इधर गिलोरी में जाएंगे, और यहाँ से हम एक पीएनजी लेंगे, इधर 100 पीएनजी ले लिए, और इसके थोड़ा सा छोट करके एडजस्ट कर लेंगे इधर। तो गाइस देख सकते हैं एडजस्ट हो गया। इधर थोड़ा जाकर शैडो में जाएंगे, शैडो में जाकर यहाँ से ऑन कर देंगे इसे, और इसका एक और कॉपी बना लेंगे, कॉपी होकर इससे थोड़ा छोटा कर देंगे,
और इधर साइड में लगा देंगे। तो सिंपली गाइस जाएंगे फिर से हम गिलोरी में, गिलोरी में जाकर एक इफेक्ट लाएंगे भाई। यहाँ से एक इफेक्ट लाते हैं ये वाला भाई, ये वाला इफेक्ट आ चुका है इधर से। तो भाई ये इफेक्ट आ गया, ऐसे थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट करेंगे इसे भी। तो फिर से जाएंगे रूटर में, इसे भी थोड़ा तीखी कर देंगे। तो भाई -7 हो चुका है, और इसे थोड़ा कर देंगे। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे भाई। तो भाई एडजस्ट हो चुका है, इसे जाएंगे कलर में, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा उससे कर देंगे इसे। तो भाई देख सकते हो मतलब हो गया, और सिंपली इसे भी हम लॉक कर देंगे और सबको लॉक करते हैं। और फिर से जाएंगे ग्लोरी में, एक PNG लाएंगे, ये PNG लाएंगे और इधर से थोड़ा इसे सीधा कर लेते हैं। तो भाई सीधा हो गया ये, और इधर साइड में एडजस्ट कर लेंगे इसे। तो भाई ये एडजस्ट हो जाएगा, तो सिंपली से हम लॉक कर देंगे। लॉक कर दिए, इधर से एक और PNG लाएंगे, ये वाला PNG फिर से लाकर इधर इसे कलर कर देंगे, जो बैकग्राउंड कलर है उससे ही करेंगे। तो भाई हमारा कलर हो चुका है, ठीक है, इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो इधर एडजस्ट हो चुका है, तो गाइस हम अपना एक इसे भी लॉक कर देंगे, लॉक कर दिए। और एक हम अपना फोटो ला लेंगे जिसको थंबनेल में लगाना है। कहीं सिंपली इधर जाकर अपने एक फ़ोटो लाते हैं, PNG वाला बना कर रखे हैं। तो गाइस जा रहे PNG वाला फ़ोटो ला लेंगे इधर। तो भाई ये मिल गया PNG वाला फोटो हमारा मिल गया, ये थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे और क्रॉपिंग करके इसे एडजस्ट कर लेंगे इसी में। तो भाई यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट हो चुका है भाई। तो इधर जाकर हम थोड़ा शैडो ऑन कर देंगे, तो वही देख सकते हो इसे थंबनेल बनाना बिल्कुल ही इजी है।